दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Redmi 9 लॉन्च हो गया है स्पेन में, हो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, स्पेन में लॉन्च हो गया है। प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है, कहा जा रहा है इंडिया में उससे चीप आएगा, एंड सारे स्पेसिफिकेशन किस प्राइस पे आया है एंड कब तक इंडिया में आ सकता है सारी चीजें बताने वाला इस वीडियो में। पसंद आया तो लगे कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना। देखते हैं क्या है Redmi 9 में, क्या स्पेसिफिकेशन आए हैं, क्योंकि लीक्स तो इसको बहुत पहले से ही आ गए थे एंड मोस्ट ऑफ देम राइट ही हुए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेन में लॉन्च हुआ तो ऑब्वियसली प्राइसेस यूरो में आए हुए होंगे, सीधी सी बात है। चलिए दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है, पहला है 3GB 32GB का जिसकी प्राइस 149 यूरोस रखी गई है, यानी कन्वर्ट करोगे तो करीब करीब 12,800 के आसपास होती है। दूसरा वाला जो है 179 यूरो, यानी करीब करीब 15,400 के ऊपर आती है एंड इंडियन रुपीज में। अगर आप 15 से 17 तारीख के बीच में अगर स्पेन में लेते हो तो उसके ऊपर आपको 800-850 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी $10 के आसपास का डिस्काउंट है। चलिए स्पेन में उसी दिन आ रहा है, स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। तो जैसे पहले आया था वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, मैंने कुछ चीज़ें बताई भी थी वो भी चीज़ें सेम ही हुई हैं। इसमें आपको 6.53 इंच का IPS का पैनल मिल रहा है, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, फुल HD प्लस का है, Redmi सीरीज में फुल HD प्लस, चलिए अच्छी बात है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, 5 से डायरेक्ट 3 पे आ गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं तो कुछ चीज़ें कम भी की गई हैं, ये ध्यान देना। रियर साइड पे आओगे तो क्वाड कैमरा दिया गया है, पहले ड्यूल आता था Redmi 8 में, यहाँ पे क्वाड दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा दिखता है स्मार्टफोन, 3 कलर्स में आया हुआ है, स्मार्टफोन देखने में अच्छा लगता है, यानी डिस्प्ले डिजाइन की बात करोगे तो अप टू द मार्क है दोस्तों। अब बात करते हैं उसके प्रोसेसर की, तो इसमें वही जो प्रेडिक्ट किया गया था वही है, मीडियाटेक का हीलियो G80 का चिपसेट है, 12 mAh बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी शायद आपको उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन बड़ी बैटरी तो आराम से 1-1.5 दिन तो निकल जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, इसमें से 2 कोर 2 GHz पे क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, कोर्टेक्स A75 और A55 वाले कोर्स हैं, यानी आराम से आप सारे चीज़ें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 लाख के आसपास का स्कोर आता है इसका, और माली G52 का जो GPU है, गेमिंग वेमिंग सब संभाल लेगा, ठीक ठाक गेमिंग उस प्राइस के हिसाब से खेल लोगे अच्छी खासी। उसके बाद एंड्रॉइड 10 के ऊपर आ रहा है, जो कि MIUI 11 के ऊपर आएगा, यानी थोड़े से ब्लूटवेयर्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन चल जाएगा, अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है चिपसेट परफॉर्मेंस, आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा अप टू द मार्क है दोस्तों। अब आते हैं कैमरा में, कैमरा की बात करें तो अच्छे हैं, क्वाड कैमरा जीरो साइड पे दिए हैं, 13+8+5+2 वाले, 13 MP का प्राइमरी सेंसर है इसका, अपर्चर F2.0 का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इससे 115 डिग्री तक की फोटोग्राफी कर सकते हो, 5 MP का मैक्रो लेंस दिया हुआ जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर आप क्लोज फोटोग्राफी करते हो तो काम आएगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर है, यानी आपको बुके इमेज अगर निकालना है, बैकग्राउंड ब्लर करना है तो उसके काम आएगा, 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR कर सकते हो, रियर साइड पे फ्लैश है, फ्रंट साइड में आओगे तो 8 MP का कैमरा दिया हुआ है, लेकिन वहाँ फ्लैश नहीं है ध्यान देना, एंड वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, F2.0 का अपर्चर है, वहाँ से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कर लोगे अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कैमराज जो है प्राइस के हिसाब से अप टू द मार्क है, अच्छे कैमराज हैं, अब वो डिपेंड करता है कैसे उनको ऑप्टिमाइज किया गया और कैसे वो परफॉर्म करती है। अब आते हैं बैटरी पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि पहले कहा गया था 18 वाट का चार्जर आएगा, लेकिन सेम वही रखा गया जैसे लास्ट टाइम था, मतलब आपको 5020 mAh की बैटरी आएगी, 18 वाट के चार्जर का सपोर्ट तो होगा, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिर्फ 10 वाट का ही चार्जर मिल रहा है, तो ध्यान देना है चीज़, यानी अगर आपके पास 18 वाट का चार्जर है तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हो, बॉक्स में आपको नहीं मिलने वाला है। टाइप सी का पोर्ट होगा, अच्छी चीज़ है, तो कंबाइन देख ले तो ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 10,000 के ऊपर प्राइसिंग जा रही है तो इंडिया में अगर लेकर आते हैं तो फास्ट चार्जर उनको देना चाहिए, वो देखेंगे कि देते हैं कि नहीं, लेकिन अगर लेके आते हैं इंडिया में तो उनको फास्ट चार्जर इस प्राइस में तो देना ही चाहिए दोस्तों। चलिए उसके बाद सेंसर्स की बात कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, IR ब्लास्टर दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी काम कर लेता है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास वंपास सब मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद आपको कैमरा 2 API का भी सपोर्ट मिलता है, चलो अच्छी चीज़ है, तो सारी चीज़ें जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सेंसर्स के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, सारे सेंसर्स इस प्राइस में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं स्लॉट वेरिएंट प्राइस पे, तो आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी 2 SIM कार्ड के साथ HD कार्ड लगा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्टोरेज का जो टाइप है वो EMMC वाला है, तो वो थोड़ा सा 5.1 का है, थोड़ा सा इशू है, थोड़ा पुराना है, काम चलाना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है। वेरिएंट जैसे मैंने कहा 2 वेरिएंट है, पहला है 3GB 32GB, दूसरा है 4GB 64GB। प्राइस की बात करें तो स्पेन में 150 यूरो के आसपास आया, कन्वर्ट करते हो तो 12,800 के आसपास होता है,
3GB 32GB वाला, जबकि 4GB 64GB वाला की बात करोगे तो 180 यूरो के आसपास आएगा, यानी कन्वर्ट करोगे तो 15,400 के आसपास आएगा। पहला सेल वहाँ पे 15 तारीख को जा रहा है, 15 से 17 के बीच में अगर लेते हैं वहाँ के लोग तो उनको 10 यूरो का डिफरेंस आएगा, यानी 800 रुपये का फायदा मिल जाएगा उनको। अब इंडिया में जब आएगा तो 3GB 32GB जो वहाँ 12,400 के आसपास का है, 12,800 के आसपास का, वो मेरे हिसाब से 10 या 11,000 तक आ जाएगा। एंड जो 4GB 64GB वाला है 11 या 12,000 तक जाएगा उसका प्राइस, क्योंकि इतनी प्राइस में इंडिया में तो ये नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली इंडिया में जब आएगा तो उससे प्राइसेस कम हो जाएंगे। इंडिया की बात करें तो आपको पॉसिबली जून खत्म होने से पहले शायद इंडिया में देखने को मिल जाए दोस्तों। तो Redmi 9 आपको बड़ा डिस्प्ले दे रहा है फुल एच डी प्लस का, मॉडर्न टॉप नॉच के साथ क्वाड कैमरा दे रही है, साइड पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन है, पावरफुल परफॉर्मेंस मिल रहा है आपको, कैमराज धमाकेदार है, क्वाड कैमराज 5 कैमराज हैं, 4 पीछे 1 आगे, देन उसके साथ बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जर का सपोर्ट है, डेडिकेटेड स्लॉट है, सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, फिंगरप्रिंट स्कैनर आईआर ब्लास्टर के साथ, और सारी चीज़ें अगर अच्छी प्राइस में मिल रही तो मैं कहूँगा डिवाइस अच्छा है। देखेंगे जैसे आएगा उस इंडिया में उसके बारे में बता दूंगा, फिलहाल तो अभी स्पेन में लॉन्च हुआ है फर्स्ट लॉन्च, जैसे इंडिया में लॉन्च होगा इसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं देख सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना, साइड में कोई वेक्टर मिस दिख जाएगा उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, अगले दोस्तों।